बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी तरफ से बड़ी क्वेरीज आई थी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैसे इंप्लीमेंट करना है सॉफ्टवेयर में, तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो लाइव मार्केट में आपने कैसे जो है वो स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने टर्मिनल पे प्लेस करना है, कैसे स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर प्लेस करना है और कैसे स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर प्लेस करना है, ये देखते हैं आज इसकी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट की एक मिसाल लेते हैं कि आपने SNGP के शेयर जो है ना वो खरीदे हुए 60 रुपीज के अगेंस्ट, ठीक है, और आपकी जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि ये जो 58.90 का जो लेवल है ये आपका मेन लेवल है कि अगर इसके नीचे स्क्रिप्ट जाता है तो फिर आप इसको जो है ना आपका सेल हो जाए, इसके ऊपर आप होल्ड करना पसंद करेंगे, लेकिन इसके नीचे जैसे ही आता है तो आप ये ट्रेड जो है आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाए। तो ये ऐसी मिसाल है, कुल लेवल कोई भी हो सकता है, आपके रिस्क रिवार्ड के रेशियो के मुताबिक जो भी आपको लेवल है उसके नीचे अगर स्क्रिप्ट चला जाए तो आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये टर्मिनल पे जो है ना वो लगा के चेक करते हैं कि टर्मिनल पे इसको आप कैसे लगाएंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है। इस वक्त लाइव मार्केट चल रही है, जो SNGP का जो इस वक्त रेट चल रहा है वो 59.81 रुपीस पे लास्ट ट्रेड हुई है, तो ये करंट जो है वो बायर है 59.70 का और जो सेलर खड़ा है वो 59.80 रुपीस का सेलर खड़ा है। तो आपने जो इसका सेल ऑर्डर लगाना है तो उस तरह करना है, राइट क्लिक करें इस पे और यहाँ पे आप सेल ऑर्डर की विंडो जो है वो क्लोज कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपने वॉल्यूम देने हैं कि आपके पास जितने वॉल्यूम होंगे जितने शेयर्स का आपने लगाना है वो यहाँ पे लगा लीजिएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिमिट प्राइस लिमिट ऑर्डर जो है ना वो होता है, तो आपने यहाँ से नीचे करके स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देना है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे दो, ये जब आप ये लिमिट पे होगा तो ये जो ट्रिगर वाली फील्ड है ये उस वक्त एक्टिव नहीं होगी, जैसे ही आप इसको स्टॉप लॉस पे करेंगे तो ये ट्रिगर वाली जो है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस पे आपने जो है ना जिस प्राइस पे आप सेल करना चाह रहे हैं जहां पे आपका लॉस का लेवल है वो आपने दे देना है। सपोज हमारी मिसाल में इसका है 58.90 हमारा एक लेवल है कि अगर इससे नीचे स्क्रिप्ट की कीमत जाती है तो ये मेरा सेल हो जाए। ट्रिगर प्राइस जो है ना वो हमेशा जो ऊपर वाले प्राइस की या तो इक्वल होनी चाहिए या उससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख देता हूँ 59, बल्कि पहले मैं आपको वो चेक करा देता हूँ, अगर मैं इससे कम लिखता हूँ, सपोज मैं अगर इसको लिखता हूँ 58.80 तो ये ऑर्डर मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे ही मैं प्लेस करता हूँ और इसको मैं यस करता हूँ तो ये ऑर्डर जो है यहाँ पे मुझे एरर आ जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है कि ट्रिगर प्राइस कैन नॉट बी लेस देन लिमिट प्राइस, ठीक है ना। तो या आपको इसके बराबर रखना है 58.90 रखना है या उससे थोड़ा सा आप प्लस में कर लें, 59 पे कर लें। तो इसको जैसे ही आप सेल करेंगे, अच्छा वॉल्यूम इधर जो है ना आपने वॉल्यूम भी लिखना है, जैसे ही आप इसको सेल करेंगे तो ये आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज के पास ये तब जाएगा जब प्राइस जो है वो 59 रुपीज पे आएगी। जैसी इधर 59 रुपीज पे प्राइस आती है तो आपका जो ये ट्रिगर है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये 58.90 और 59 के दरमियान जो भी प्राइस जो भी बायर अवेलेबल होगा आपका ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह आप जो है वो स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये प्राइस, सपोज आप ये कह रहे हैं कि जो 61 पे एक रेजिस्टेंस है जब तक ये क्रॉस हो जाए तो फिर मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली फिल हो जाए बाइंग का, तो ये भी आप स्टॉप लॉस के थ्रू लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे आ चुके हैं, स्टॉप लॉस बाय के लिए आपने जो है ना फिर बाय ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लॉस सेल के लिए सेल ऑर्डर था, स्टॉप लॉस बाय के लिए आपने यहाँ पे बाय ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपने खरीदनी है वो दे दें और यहाँ पे लिमिट की बजाय यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दें, ठीक है। ट्रिगर में अब यहाँ पे प्राइस, जिस प्राइस पे आपने जो है ना वो बाय करना है, सपोज मेरा है 61.10 पे मैंने ये प्राइस बाइंग प्राइस है मेरी। अब इसमें जो है ना ट्रिगर प्राइस आपने इस प्राइस जो ऊपर वाली प्राइस है ना उससे नीचे रखनी है, उससे लेस रखनी है, या लेस रखनी है या बराबर रखनी है, इससे बड़ी नहीं रख सकते। मैं अगर यहाँ पे 61.20 दूंगा ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये फिर वही एरर दे देगा कि आउट ऑफ ऑर्डर जो है। तो आपको जो ट्रिगर प्राइस होगी
या आप 61.10 ही रख लें, इसके बराबर रख लें, या फिर 61 पे रख लें। तो 61 पे रखेंगे तो बाय यहाँ पे करेंगे, ओके सेंड कर, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जब भी प्राइस जो है वो 61 को टच करेगी तो आपका ये वाला आर्डर जो है ये एक्टिवेट होके एक्सचेंज के पास चला जाएगा। नॉर्मल सेल और बाय आर्डर जो होते हैं वो डायरेक्टली एक्सचेंज के पास चले जाते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस के आर्डर होते हैं, चाहे वो बाइंग का हो चाहे वो सेलिंग का हो, वो ट्रिगर प्राइस पे एक्सचेंज के पास जाएगा। जब तक ट्रिगर प्राइस नहीं आती वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, वो एक्सचेंज की जो बुक है उसमें नहीं आता। तो इस तरीके से आप जो है वो बाय और सेलिंग जो है स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। आपने अगर पहले बाय किया है और आप डर रहे हैं कि ये इस लेवल से नीचे आ जाए तो आप स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाइएगा, और अगर आपने जो है वो किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस होने पे बाय करनी है तो आप जो है वो स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं कि जैसे ही वो लेवल टच हो, वो लेवल आए तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो ऑर्डर फिल हो जाए, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये स्टॉप लॉस पे थे, बाकी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।